पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुके कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण देश में 21 दिन का लॉकडाउन की घोषणा के बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर परिषद में किराना, मेडिकल, सब्जी, दुग्ध व्यापारियों एवं पत्रकारों की बैठक अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा, SDOP पुलिस प्रशांत सिंह सुमन, तहसीलदार आशुतोष शर्मा, TI राजेश सिन्हा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नूरुद्दीन काजी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद ML प्रजापति की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी को दूर दूर बैठाया गया था। बैठक में नगर एवं क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों की कमी ना हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित चल सकें, इसके लिए सभी के सुझाव लिए गए। किराना व्यापारियों से अपेक्षा की गई कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से डोर टू डोर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार दुग्ध व्यापारियों को भी कहा गया कि वह दूध की सप्लाई डोर टू डोर करें ताकि दुकानों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो। इसी प्रकार सब्जी व्यापारियों की दुकान भी 3 मीटर के गैप से लगाकर खरीददारों में 3 मीटर की दूरी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो। क्षेत्र में खाद्य सामग्री की पूर्ति सुनिश्चित हो। व्यापारियों ने इंदौर से खाद्य सामग्री मंगाने के लिए अनुमति की मांग रखी, जिसके संबंध में SDM वर्मा ने शासन स्तर पर जानकारी भेजकर इस समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। क्या इंतजाम किए उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि एक बीमारी गंभीर है तो आप घर से ना निकलें। हमारा पूरा पुलिस अमला लगा हुआ 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है और जो कुरवाई की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उनको एंट्री पास दिया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है क्यों आ रहा है, जबकि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ ही कोरोना स्तर पर हमारी टीम लगी हुई है जगह जगह और जो समय निर्धारित है 11 बजे से 3 बजे तक का, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो उनसे निवेदन किया जा रहा है कि आप अपने घर पर रहें और घर से बाहर ना निकलें, ये कार्रवाई निरंतर की जा रही है। सर, महानगरों में जो यहाँ की लेबर काम करती थी वो अपने गाँव वापस आए, उनके स्वास्थ्य या उनकी जानकारी किस लेवल से जुटाई जा रही ताकि वो किसी अनुभव किस प्रकार के संक्रमण ना कर सके। उनके लिए हमने BO साहब को बताया हुआ है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है और जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई लेबर बाहर से आए हुए तो वहाँ पर डॉक्टर का हाथों भेजा जाता है, वो परीक्षण कर रहा है लेबर और गाँव के जो लोग हैं जिनके माध्यम से हम संपर्क कर रहे हैं तो उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन क्योंकि पूरा भारत हो चुका है और कोरोना वायरस के चलते ये लॉकडाउन हुआ है तो सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है कि लोग इसका पालन करें। यहाँ कुरवाई में भी हम इसका अक्षरशः पालन करवा रहे हैं और जनता से अपील भी करते हैं कि वो इस महामारी से बचने के लिए अपने स्वयं की, स्वयं के परिवार की और पूरे समाज की और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए। इसी क्रम में हमने आपके सारे हमारे जो व्यापारी बंधु थे उनके जो अध्यक्ष थे और मेडिकल एसोसिएशन है, इसके अलावा दुग्ध महासंघ वाले जो लोग हैं उन सभी से बातचीत की है किराना व्यापारी एसोसिएशन से कि जिस तरह से उनकी सप्लाई हो रही है और कोई मांग पूर्ति में कोई दिक्कत तो नहीं है ताकि शहर के लोगों को आगे किसी तरह का सामना न करना पड़े। पूरे समीक्षा का सारांश ये है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं है और जो ऊपर से सप्लाई आना है उसके लिए निरंतर उनके समन्वय चल रहे हैं, शहर में सभी सामग्रियां निरंतर आती रहेगी और लोगों को आसानी से ये प्राप्त होती रहेगी। अब अगले चरण में हम डोर टू डोर यानी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना पड़े, उसके घर ही खाने की सामग्री पहुंच जाए या दूध उसके घर पर ही पहुंच जाए, उसको बाहर नहीं आना पड़े, ये प्रयास हमने आज किया है और कल से इसको प्रारंभ करेंगे। जो उसको किराना चाहिए वह व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए अपने व्यापारी को जो हमारा किराना मर्चेंट है उसको कर देगा और वहाँ से हम उसके घर पर वो सामग्री पहुँचाने की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। दूध का भी इसी तरह से करने की कोशिश हमारी है और धीरे धीरे सब्जी वगैरह पे भी इसको लागू। जो लोग होम डिलीवरी करेंगे क्या प्रशासन उनके लिए पास जारी करेगा? बिल्कुल, जो होम डिलीवरी करने वाला हमारा रहेगा समय यही रहेगा जो शासन के द्वारा निर्धारित है 3 बजे तक का,
इस समय में ही होम डिलीवरी करने वाले बॉय जो रहेंगे और या जो भी कर्मचारी वगैरह रहेंगे उन लोगों के, उन्हें हम पास जारी करेंगे और उसको यदि किसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है उसको डिलीवरी करने के लिए तो उस गाड़ी के लिए भी पास जारी किया जाएगा। खाद्य सामग्री महानगरों से जो बड़े शहर हैं वहाँ से नहीं आ पाती, इस संबंध में शासन स्तर पर कोई यहाँ व्यापारी समस्याओं को पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे कि इंदौर से सामग्री आ सके? ये प्रश्न आया है कि इंदौर से सामग्री आने में कुछ समस्या आ रही है, तो हम हमारे जिला लेवल से बात करके, चूंकि ये राज्य लेवल का मामला है, हमारे जिला अधिकारी को बताएंगे और ये कोऑर्डिनेशन होकर सामग्रियों की सप्लाई होना जारी हो जाएगी।